नमस्कार, मैं केशव कुमार, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। आज मौजूद हूं परवत्ता नगर पंचायत में खास बातचीत करने के लिए पूर्णिमा कुमारी जी के पास आए, जो कि उप चेयरमैन उम्मीदवार हैं। इससे जानते हैं इसका चुनावी मुद्दा क्या है और ये चुनाव में क्यों आए। सबसे पहले नवगठित नगर पंचायत परवत्ता की तमाम जनता को हमारा प्रणाम और दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। हमारा मुद्दा विकास और शिक्षा है। और दूसरा क्या मुद्दा है? देखते हैं परवत्ता नगर पंचायत में जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है। हाँ, जल जमाव की समस्या है और जाम की समस्या भी है, तो उसे जो है हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आप इतना पढ़ाई लिखाई करके BSc करके अब पॉलिटिक्स ही क्यों चुने? अब जॉब भी तो देख सकते हैं। ये हम पॉलिटिक्स नहीं चुने, हम समाज सेवा की दृष्टि से इसमें आए हैं। आपको क्या लगता है, जनता मौका देंगे? अगर जनता हमें मौका दे तो हम उसकी हर समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, अपना प्रयत्न करेंगे कि उसकी हर समस्याओं को जाने और समझें और उसको दूर करें। आप परवत्ता नगर पंचायत में घूम रहे हैं तो जनता आपको समस्या क्या सुना रही है? वही ज़्यादातर समस्या तो वही जल जमाव है, जाम की समस्या है, यही सब समस्या है। अगर आपको जनता मौका दे तो सबसे पहला आप काम क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो वही जल जमाव से निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। सब जगह गली मोहल्ले में जो जल जमाव होता है, परवत्ता मुख्य बाजार में भी पानी का जल जमाव होता है, और जो है सर हम चौक चौराहे पे जो है लाइट की व्यवस्था करेंगे और स्वास्थ्य पे भी ध्यान देंगे, शिक्षा पे भी ध्यान देंगे। क्या ध्यान दीजिएगा स्वास्थ्य और शिक्षा पे? स्वास्थ्य में जैसे जो है जगह आंगनबाड़ी के कार्य में सही से काम नहीं होता है, कहीं कहीं शिकायत मिला है, उसमें जाके उसको ध्यान से उसको सही करेंगे, और जितनी भी जो है योजनाएं आती है उसको सही से लागू कराएंगे। आप एक युवा हैं तो युवा के लिए अगर आपको सरकार मौका दे, जनता मौका दे, तो आप कैसे काम करिएगा युवाओं के लिए? सबसे पहले तो नवगठित नगर पंचायत परवत्ता के तमाम जनता मालिकों को दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं साकेत कुमार रवन, उपाध्यक्ष प्रत्याशी पूर्णिमा कुमारी के तरफ से निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक बार हमें सेवा का मौका दें, ताकि हम नगर पंचायत परवत्ता के तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो नगर पंचायत परवत्ता के मुख्य बाजार में जो जल जमाव की समस्या है, उसके लिए सड़क के दोनों किनारे पक्के नाले का निर्माण करना, एवं जो इस जल जमाव के कारण जो परवत्ता बाजार में जाम लगती है, इससे निदान कराने का कोशिश करेंगे और करेंगे। मैं कोई वादा नहीं करता हूं, मेरा ये संकल्प है कि मैं इस काम को सबसे पहले प्रमुखता से करूंगा। दूसरा काम जो है कि नगर पंचायत परवत्ता के अधीन एवं इससे बाहर भी जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो 10th पास करके शहर में अच्छी पढ़ाई के लिए नहीं जा सकते हैं, मेरा कैंडिडेट MSc बोटनी है एवं BEd भी है और PhD भी कर रही है, उनके तरफ से उनके लिए फ्री 11th एंड 12th के लिए बायोलॉजी क्लास की व्यवस्था हम करेंगे। क्या कैसे उपलब्ध करवाइएगा? मैं इसके लिए, मेरे पास जगह चिन्हित है, मैं उस जगह पर मेरे कैंडिडेट के द्वारा ये फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें पढ़ाया जाएगा। अगर प्रतिनिधि आपका उस लेवल पर है कि वो आपको समझ सके और आपकी समस्या को दूर कर सके, वैसे प्रतिनिधि को आप लोग चुनिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं खुद एक अच्छे प्रतिनिधि हूँ, आप खुद तय कीजिए, जनता मालिक के ऊपर है कि आप खुद तय कीजिए। प्रतिनिधि शिक्षित होनी चाहिए एवं जो आपके समस्याओं को आगे अधिकारियों तक पहुँचाए एवं सारी योजनाओं को समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों तक ले जाए, वैसे प्रतिनिधि को मौका दीजिए। और मैं एक बार आप लोगों से मौका मांग रहा हूँ, एक बार मौका दीजिए। मैं आपके हर एक वादा तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं संकल्प लेकर उतरा हूँ मैदान में और मेरा ये संकल्प है मैं इन सब कामों को करूँगा। अगर आप जीत जाइएगा तो युवाओं के लिए क्या करिएगा? युवाओं के लिए सबसे पहले तो नगर पंचायत परवत्ता के अंदर जितने भी फील्ड हैं मौजूद, वहाँ रनिंग ट्रैक की व्यवस्था करना, क्योंकि युवाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी ये हो रही है रनिंग ट्रैक नहीं होने के कारण। अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है, वो अपना जो तैयारी है वो सही ढंग से नहीं कर पाता है। दूसरा, जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी होती है, वो या तो बड़े शहरों में जाकर करना होता है, या यहाँ जो मौजूद है वो सुचारू ढंग से नहीं है। उसके लिए संकल्पित हैं कि वो हम व्यवस्था करेंगे और उन्हें एक जगह
सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं का तैयारी कराया जाएगा। प्रवक्ता नगर पंचायत में घुसखोरी का समस्या बहुत ज्यादा है, इस पे आप कैसे निदान पाइएगा? देखिए, अगर आपका कैंडिडेट ईमानदार और एजुकेटेड होगा तो जरूर है इस पर ब्रेक लगेगा, और युवाओं का सहयोग सबसे बड़ा जरूरी है। युवाओं का अगर सहयोग इस मामले में रहा तो जरूर है कि घुसखोरी की समस्या खत्म होगी। आपका क्या सिंबल है? मेरा जो है टेबल फैन छाप है। टेबल कितने नंबर में है? 6 नंबर। मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? कि हमें एक बार मौका दीजिए, हम आपके सारे काम को पूरा करेंगे।